इसके अंदर है बहुत ही प्यारा सा फोन, जो कि ये है, देखिए कितना प्यारा सा फोन ये। तो अभी बज रहे दोपहर के दो और आइसक्रीम वाले भैया हैं, गांव का तो मजा ही अलग है। देख सकते हैं हम सभी ने आइसक्रीम ले लिया है, सबका अलग अलग फ्लेवर है। मैं कमेंट पढ़ रही थी तो कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि आपकी फैमिली, आपका मायका कैसा है, बहुत गरीब है, ये है वो है। हाँ जी गरीब है। नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग जी, स्वागत करते हैं आपका अपने इस नए ब्लॉग में। तो शायद आपको आज जो है थोड़ा असर हो रहा होगा कि बैकग्राउंड अचानक से चेंज किया हो गया। हम तो थे जिया के घर में। जी हाँ, हम जिया के घर में ही थे और गए हुए थे अपने ससुराल, और वहाँ पर एक दिन स्टे किए थे। एक दिन स्टे करने के बाद जो हम आ गए थे, और जिया और क्रियांश जो है वहीं पर है। तो इस बार जो है क्रियांश अपने नानी घर में अच्छा खासा समय बिताएगा, और हम आ गए यहाँ पर क्योंकि अपना काम धंधा सब था जी। तो अभी हम लोग जा रहे हैं अपने गाँव के मंदिर, देखिए प्रसाद चढ़ाने के लिए और दर्शन भी करने के लिए। जब भी आते हैं तो चले ही जाते हैं। और पीछे से हमारा भाई लोग भी आ रहा है, और आगे हमारी फुआ ले जाते हुए हम सभी को। ये देखिए, और सब कहाँ रह गया? आ रहा है, आ रहा है ना। चल, ये हम लोगों का घर बन रहा है, अभी समय लगेगा इसको बनने में। तो अभी हम लोग आ गए हैं मंदिर, पूजा हो गया, बस प्रसाद नहीं चढ़ा है। पंडित जी पूजा कर रहे हैं अंदर, जैसे उनका पूजा कंप्लीट होता है प्रसाद चढ़ाएंगे फिर चलेंगे घर। और चलिए हम आपको यहाँ का मंदिर जो है दर्शन कराते हैं, आप लोगों को भी मंदिर का। और उसके बाद यहाँ पे ऐसा है कि अगर कुछ भी आप आस्था से मांगते हैं और अगर आपका नियत साफ हो तो माता रानी ज़रूर पूरा करती है, तो हमने देखा है। और चलिए आप लोगों को भी दर्शन कराते हैं, आपको भी जो भी मांगना होगा माता से ज़रूर मांगिएगा, ज़रूर माता रानी पूरा करेगी। अरे आप देख सकते हैं तीन मुंडा बैठा है, जिसमें कि एक भी बीच वाले का रिजल्ट आया हुआ है। देखिए मुंह बनाते हुए, फोकस फोकस फोकस, और ये और ये, इन दोनों का बचा हुआ है रिजल्ट। कब तक आएगा तुम लोग? मई को आ जाएगा, मई स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग ठीक है, माता रानी से दुआ करो कि मेरा भी अच्छा अच्छा रिजल्ट आ जाए, फिर हम लोग आएंगे। हाँ बोल दिए, बोल दिया ना। A few moments later. No. No. One hour later. तो हम आ गए पूजा करके, और ये रहा हमारा प्रसाद। प्रसाद भी हमने खा लिया, एक और खा रही हूँ। उसके बाद खाना खाना है, बहुत जोर की भूख लग गई है। और पतिदेव तो चले गए, पहुँच भी गए वहाँ पे। और क्रियांश जो अभी तक सोया हुआ है, अभी तक पापा को उसने एक ही बार ढूंढा है, देखते हैं ढूंढता है कि नहीं ढूंढता। कोई बात नहीं गिर गया, कोई बात नहीं। वाह 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 वाह, आमे डालो आमे, एक उठा के मुंह में डालिए, एक 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 तो नहीं, एक गिरा तो अकड़ा हाथ में, देखो अकड़ा हाथ। आमे डालो आमे। वाह 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 वाह, क्या तो समझदार हो गया है। The next day. तो हमारी गुड मॉर्निंग हो चुकी है थोड़ी देर पहले ही, और क्रियांश भी सो के उठ गया। क्रियांश कल 7 बजे ही सो गया था शाम में, और सुबह उठा है वो 7:30 बजे के करीब। रात में एक दो बार उठा, बस दूध पिया और फिर सो गया। तो चाय पीते हैं और आपको दिखाते हैं कि चाय के साथ हम क्या लेते हैं। चाय के साथ मुझे यहाँ का ये बिस्किट जो होता है ना, ये बहुत बड़ा बिस्किट होता है, इसको आधा मैंने खाया और आधा बचा हुआ है। ये बिस्किट मुझे बहुत अच्छा लगता है, जब भी आती हूँ तो हमें बहुत खाती हूँ, और जाती भी हूँ तो लेके जाती हूँ, क्योंकि मुझे ये बिस्किट बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मम्मी कहती है कि जब भी तुम आती हो पापा मंगवा के रखते हैं कि जी आ रही, बचपन से ही मुझे बहुत अच्छा लगता है। देखिए इसमें है मम्मी का देसी घी, अभी ऊपर से उतारा है हमारा भाई। ले की करे छो, ये दूध पीते। ले मम्मी ले जो घी। ओहो हो, स्टाइल दिखा रहा है क्रियांश थोड़ा सा।
चाली खा रहा है जो है अपने से घी बनाती है। घी बना बना के कांच वाले बोयम में ऊपर रखती है और जब हम लोग आते हैं तो हम खाते हैं। वैसे तो यहाँ पे उतना कोई नहीं खाता है, थोड़ा बहुत खाता है, लेकिन हमें घी बहुत ज्यादा पसंद है। गाय का घी लेके भी जाते हैं हम कटिहार जब जाते हैं। तो क्रियांश का देख लीजिए, सेखी बार बार आता है दौड़ के उधर से और रिया इसका मालिश करती है तेल लगा के। दौड़ दौड़ के आता है थक करके और मौसी से मालिश करा रहा है क्रियांश। सेठ जी तब ना दौड़ेगा, तब ना फिर से दौड़ेगा, एक्टिव हो जाएगा। सेठ जी फिनिश कर लेना पूरा। कह रहा है कि हमको पीठ पे चल के घुमाओ, इसलिए इतना पोटना मेरा बेटा हो गया है, पोट रहा है मम्मा को कि पीठ पे चल के घुमा ले मम्मा जी। क्रियांश को खिलाते हुए तीन आदमी लगाए बट वो एक चम्मच नहीं खाएगा। अच्छा लगा ना? अच्छा। नहा के आए थे, मेरी गोदी में आके बैठ गया, वैसे खेलते रहेगा, देखेगा कि मम्मा आई है आ जाएगा मेरी गोदी में। जिसने कर्म योग की विधि से समस्त कर्मों का परमात्मा में अर्पण कर दिया है और जिसने विवेक द्वारा समस्त कर्म को स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। A few moments later. आज हमारे घर में बनाए कटहल और चना दाल डाल के उसको सब्जी, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। कटहल में चना दाल के जो मम्मी बनाती है ना, और मम्मी के हाथ का तो बात ही अलग है, बहुत टेस्टी बनाती है। और ये देसी घी लगा के एकदम मम्मी खुद बनाती है जो घी। और यहाँ क्रियांश जो है, क्रियांश क्या कर रहे हो? ये देखिए उतरने की कोशिश कर रहा है, कभी खिड़की पे खड़ा हो जाता है, इधर ये अपने मामा जी से बात कर रहा है, छोटे छोटे मामा जी से। हाँ आना खा लो ना, थोड़ा खाओगे खाली चखता है, खाता कुछ नहीं है। तो बहुत टेस्टी बना है सब्जी, तो खाते हैं, इसको करने देते हैं वरना से। बाय बाय कर दीजिए, बाय बाय मामा जी, बाय मामा जी। तो इसके मामा जी छोटे मामा जी एकदम छोटे छोटे से छिपते हैं कैमरा से। खाने में एकदम मजा आ रहा है, इतना टेस्टी सब्जी मम्मी बनाई है, बहुत मजा आ गया। अंकलीफा करिए, तो मम्मी बहुत बढ़िया खाना बन बेची, उसका मतलब ये हुआ जो नहीं समझ रहे, तुम्हारी मम्मी बहुत अच्छा खाना बनाती है। हाँ सच में बहुत अच्छा बनाती है। मैं कमेंट पढ़ रही थी तो कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि आपकी फैमिली आपका मायका कैसा है, बहुत गरीब है, ये है वो है। हाँ जी गरीब है, लेकिन ये तो नहीं है किसी से कभी कोई कुछ मांगने गया। अगर आप लोग हमारे मायके के बारे में जानना चाहते हैं कैसा है क्या नहीं है, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं प्रॉपर एक वीडियो लेके आऊंगी अपने फैमिली से रिलेटेड, हमारे फैमिली में कौन कैसे है सब कुछ। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, अगर ज्यादा कमेंट होगा तब मैं वीडियो बनाऊंगी। One hour later. हाँ के आ गया क्रियांश, दिखाओ इधर, दिखाओ मौसी का फोन है वो टूटी, इधर देखो मम्मा को देखो, इधर देखो क्या कर रहे हो, दिखाओ नहा दी ना मौसी आपको, दिखाओ शक्ल दिखाओ, हेयर वॉश कर दिए ना, बोलो तो सही, हाय कर दो सबको, तो हाय हाय कर दो तो बेटा हाय। तो ये आराम से यहाँ पे बैठा हुआ है और ये जो बक्सा देख रहे ना, ये काट का बक्सा है, हमारी दादी को मिला था। और ये दोनों हमारी दादी को उनकी शादी पे मिला था, वो अभी तक सभी लोगों ने संभाल के रखा है, माँ ने भी। और ये जो बेड है ना, ये बेड जिसपे मैं बैठी हूँ, ये वाला देखिए, ये भी हमारी दादी का, हमारी दादी को शादी पे मिला था उनके मायके से, है ना क्रियांश? क्रियांश को क्या पता, मुझे नेल पेंट दे के गया लगाने के लिए। क्रियांश क्या कर रहे हो? तो अभी आया हुआ है हमारा एक पार्सल, हमारा नहीं अंजलिफा का आया है पार्सल, तो चलते हैं देखते हैं क्या आया है। इतने सारे लोग जा रहे हैं साथ में तो समझ सकते हैं कुछ खास ही आया होगा, है ना? क्या आया है पता नहीं, चलो अनबॉक्सिंग करते हैं क्या आया है। भैया हमारा पार्सल दे के चले गए और इसके अंदर है बहुत ही प्यारा सा फोन, जो कि ये है, देखिए कितना प्यारा सा फोन। ये मेरा नहीं है, ये किसी और का है, तो चलते हैं उसको दे देंगे। उन्होंने भेजा कि जा करके तुम देख लो एक बार अच्छे से सब कुछ ठीक है नहीं, थोड़ा बिजी थी तो मैं आ गई लेने के लिए उनका पार्सल। और फोन बहुत सुंदर है, मजा आ गया। तो अभी बज रहे दोपहर के दो और आइसक्रीम वाले भैया आए, गांव का तो मजा ही अलग है, भैया आए तो सभी बच्चे आइसक्रीम खा रहे, तो हमने सोचा हम भी खाते हैं। हाँ देखिए यहाँ पे कुछ बच्चे हैं, कुछ आने वाले। गोविंद सो में से लो आ रहा है, देख सकते हैं हम सभी ने आइसक्रीम ले लिया है, सबका अलग अलग फ्लेवर है, इसका चॉकलेट, इसका भी चॉकलेट, बाकी दूध, और ये कौन सा है? चॉकलेट।
ऑरेंज ओके ये दोनों दो दो लिया है, बाकी हम लोग एक एक लिए। नहीं तुम भी दो लिए। अच्छा हम भी दो लिए ये। तो भैया आते रहते हैं बराबर। उधर देखिए इसको, तो क्रियांश तो है जी अपने नानी घर में और क्रियांश को जो है सभी लोग यहाँ पर याद कर रहे हैं। सही में जी इस घर में जो है क्रियांश की बहुत ज्यादा कमी महसूस हो रही है, क्योंकि हर समय जो है उसका कुछ ना कुछ एक्टिविटी रहता ही था और क्रियांश के पीछे हमेशा एक ना एक आदमी को जो है ड्यूटी पर लगा ही रहना पड़ता था। दादी बोल रही थी कि क्रियांश को बोलो वहां से आने के लिए। हम बोले क्यों, वो तो अभी तुरंत गया ही है, नहीं उसके बिना मन नहीं लग रहा है, उसको यहाँ भेजो। तब उसके बाद मम्मी को भी समझाई, देखो वहां पर गया हुआ अपने नानी घर, वहां पर भी थोड़ा बहुत खेलेगा उसके बाद आ जाएगा। तो कहने लगी कि हाँ बात तो सही है, सभी को मन होता है, जैसे हम दादा दादी हैं तो जैसे हमको मन करता है कि मेरा पोता यहाँ रहे, नाना नानी को भी इच्छा होता होगा कि उनका नाती उनके पास कुछ दिन रहे, तो रहने दो, वो तो हम बस वैसे ही बोले, क्योंकि बहुत याद आती है। और खास करके तब जब दूध वाले भैया आते हैं दूध देने के लिए, तो क्रियांश चले जाता था गेट के पास दूध लेने के लिए, खाली डब्बा लेकर के और उनसे दूध ले लेता था और उनको पैर छूता था, यह सब करता था। तो ऐसी ऐसी बहुत सारी बातें हैं जी, बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं, इसको लेकर के जो है सभी लोग उसको याद कर रहे हैं। दादाजी को भी बिल्कुल मन नहीं लग रहा, स्पेशली क्रियांश के दादाजी जो है उनके साथ क्रियांश तो इस घर में सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करता है और हम लोग तो कभी कभी परेशान भी हो जाते हैं उसकी हरकतों से, लेकिन दादाजी जो है बिल्कुल भी कभी परेशान नहीं होते, उनके चेहरे पर कभी भी परेशानी नहीं दिखती है। तो वो भी बहुत खेलता है अपने दादाजी के साथ और अभी तक वो वीडियो कॉल पर देखा नहीं है दादाजी को, देखेगा तो मैं जानता हूँ जरूर रोने लग जाएगा, तो इसलिए उसको जो है वीडियो कॉल पर नहीं लाते हैं, दादाजी को नहीं दिखाते हैं। और जहां तक बात रही जी जिया और क्रियांश की, तो वो लोग कब तक रहेंगे, तो वो लोग रुकेंगे जी अभी अच्छा खासा टाइम रुकेंगे और वहां पर जो है जिया भी अपने मम्मी के साथ कुछ समय बिताएगी और क्रियांश भी जो है नाना नानी के साथ जो है कुछ समय बिताएगा और अपना वहाँ पर घूमेगा, अपना जो नानी घर है उसको भी तो पहचाने क्रियांश, तो वो तब तक है वहाँ पर। और आप लोग देख रहे हैं कि जो जिया महकी गई है उस वीडियो को बहुत प्यार दे रहे हैं, बहुत आप लोगों को अच्छा लग रहा है, क्योंकि ज्यादातर वीडियो जो है हमारे चैनल पर लगता है 90-95% जो है इसी साइड का है, जब हम दिल्ली में रहते थे चंडीगढ़ में रहते थे या हमारा जो घर है यहाँ का, वहाँ का वीडियो आप लोगों को थोड़ा कम देखने को मिला है, लेकिन इस बार जो है आप लोगों को प्रॉपर वीडियो मिलेगा। और छोटा छोटा जो मोमेंट होता है ना हम लोगों का, तो वह सब हम डालते हैं फेसबुक पर, तो फेसबुक पर जाकर के आप लोग देख सकते हो, वहाँ पर छोटा छोटा क्लिप सब रहता है और साथ में हमारे इंस्टाग्राम का जो स्टोरी है उसको भी चेक कर सकते हैं, वहाँ भी कुछ ना कुछ जो है अपनी यादें क्रियांश की हरकतें उसको जो है शेयर करते रहते हैं वहाँ पर। तो इसके साथ जी इस ब्लॉग को यहीं पर खत्म करते हैं, उम्मीद करते हैं यह जो ब्लॉग है अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि जब भी हमारा कोई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।